हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन ग्राफिक एक छोटा सा शॉट है, शॉट नंबर 3 जो हम लोगों ने पहले बनाया है। शॉट 1 शॉट 2 हम लोगों ने रेडी कर लिए, ये हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया। भाई मुझे अगर स्टार्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, स्टोर बोर्ड आप बना लेना है। अब वीडियो साइज़ आपका ये है, अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो साइज़ एंड जो टाइमिंग है 3 सेकेंड 20 फ्रेम है। तो कंपोजिशन में गए, न्यू कंपोजिशन पर आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर साइज़ कितना है, 1920 एंड 1080, ठीक है। FPS आपका कितना है, 24 होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड 3 सेकेंड 20 फ्रेम, ठीक है। 3 सेकेंड 20 फ्रेम है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, 3 सेकेंड 20 फ्रेम, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो बस यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे आ जाएगा। भाई मुझे अगर कोई भी चीज़ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। शॉट नंबर 3 इसका PHD फाइल हमारे पास यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से एड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देन हम लोग यहाँ पे गए, ओके, देन डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से आप शॉट नंबर 3 इसको आप ओपन करोगे, इंपोर्ट किया, ठीक है। एडिटेबल है, स्टाइल है यहाँ पे, कंपोजिशन, ठीक है। आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करते हैं आपको सब कुछ क्लियर वाइज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने सब कुछ सेट करके देखो, उतने ही फ्रेम है जितने फ्रेम हमें चाहिए, ठीक है। हाँ ये चीज़ है कि इसमें बस नेमिंग नहीं कर रखा है, ठीक है। तो नेमिंग एक बार हम लोग देख लेंगे, नेमिंग के साथ ही हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये हाफ ऑरेंज हो गया यहाँ पे। दूसरा पार्ट हमने देखा वाटर स्प्लैश है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रशेस के थ्रू बना रखा है यहाँ पे, फेंटा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रीनेम वाटर, ठीक है। वाटर यहाँ पे है, ये आपका फेंटा की बोतल है। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लीफ है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लीफ, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको देखें यहाँ पे, पी फॉर पोजीशन। अच्छा ये सेम है, तो इसको हम लोग नीड नहीं, तो इसे डिलीट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, हम लोग ने यहाँ पे मैनेज किया, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रीनेम कर दिया वाटर, ठीक है। आप इसे ऐसा कर सकते हो कि आपने वाटर स्प्लैश कर दिया या बिग वाटर कर दो, जो भी आपको लगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ किया जा सकता है, यहाँ पर हमने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको बिजी है तो आपने रीनेम कर दिया बैकग्राउंड, ठीक है। बिजी आपका हो गया यहाँ पे, इसका दिए इसका में देखा, ये वाइट, वाइट तो हमें नहीं चाहिए। तो बीजी मैंने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, दिस वन। अभी देखो आपको सिलेक्टेड लेयर आ गया विद नेमिंग, ठीक है। तो पहला काम आपके यहाँ पे क्या हम करना है, स्टोर बोर्ड में आ जाओ। स्टोर बोर्ड में हमने देखा वीडियो साइज़ आपका सी है, टाइमिंग है 0 से लेकर 2 3 20 फ्रेम तक, ये हमने देख लिया। अभी हम लोगों को स्टार्टिंग क्या करना है, 0 से स्टार्ट होगा और ये आपका टाइमिंग 0 से स्टार्ट होना है, 320 पर हाफ तक दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हाफ ऑरेंज मुझे यहाँ पे दिखाना है, एट देन गो टू स्टार्ट एंड फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, पी फॉर पोजिशन, पोजिशन पर गया और मैंने इसके यहाँ पे थोड़ा सा इतना पार्ट मुझे दिखाना है, ठीक है, काइंड ऑफ। और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, पोजिशन दे दिया, स्टार्ट पे आ गए। स्टार्ट पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, भाई ये दिखना नहीं चाहिए, तो इसको मैंने ऊपर से ले लिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ से देन ये कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसा कुछ दिखा दिया ताकि यहाँ पे देखिए भाई मेरे पास धीमे धीमे वो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ओके। ये मैं फ्रेमिंग सेट कर दूंगा, मैंने अब देखा भाई मेरे पास एक रेफरेंस है, ये हमने यहाँ से सेट करके ये यहाँ से यहाँ तक इतने तक दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहा चलो मैं चाहूँ तो वीडियो को लाके इधर रख सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वॉन्ट कि भाई हम लोग चीज़ों को एज इट इज वो कर ले, ठीक है। थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं ऐसे बताया, तो भाई अगर यहाँ से भी कुछ काम करना है तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशन यहाँ पे सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने अभी दिया भाई मेरे पास अभी इसकी पोजिशन भी है, ठीक है। देख रहा है ये काइंड ऑफ ये इसके टच में है, ये देखोगे तो आइडिया मिलेगा क्या कि आप कितनी चीज़ों को देख के ऑब्जर्व कर सकते हो। फेंटा के टच में दिख रहे हैं भाई, ये पार्ट आपको कैसा दिख रहा है। और देन यहाँ से मैंने क्या, देखो यहाँ पे पार्ट कैसा है, 960, यहाँ देखा। तो ये जो मेरे पास नंबर है, कंट्रोल सी कर दिया और स्टार्टिंग में जाके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, तो सेम एज इट इज़ वहीं पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। यहाँ से हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे गए हम लोगों को क्या चाहिए, की फ्रेम असिस्टेंस इज इज गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने ग्राफिक एडिटर पे कर दिया, नॉर्मल मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे चाहिए दिखे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल एंड विंडोज बटन मैंने स्क्रॉलिंग किया यहाँ पे, थोड़ा सा वेटेड अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे कैसे दिखाना है, अगर मुझे दिखाना है यहाँ से नॉर्मल कर रहा है, ठीक है,
तो जैसे मैं पे कर रहा हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल सी कई चीज़ें हैं, ग्राफ एडिटर है, जैसे आपको दिख रहा है अलग अलग पार्ट, इज है यहाँ पे हो गया, ठीक है, इज इन यहाँ पे हो गया, इज आउट यहाँ हो गया, ठीक है। आप इनको मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे लीनियर पे करना चाहो तो फ्लैट जाएगा बिल्कुल, जैसे इसमें बिना डेप्थ के फ्लैट जाने वाला, देखा पे ये मैंने कर दिया, तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, इनको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो अभी जैसे यहाँ पे मैंने मैनेज किया था, तो कुछ दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, कुछ इस टाइप से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आपने क्या किया, इजीज कर दिया, तो ये इजीज में ऐसा आ जाएगा। आपको यहाँ से थोड़ा तो सा मैनेज करना है तो ऐसे भी करके दिखा सकते हो। आपने यहाँ पे किया तो यहाँ से देखो, यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये स्लो एंड यहाँ पे रुक जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो ऐसे भी कुछ करके दिखा सकते हो। नॉर्मल थोड़ा सा लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग मैनेज करें कि भाई मैंने अभी दिया, भाई मुझे इस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है तो स्मूथ दिखे, ठीक है, और थोड़ा सा वेटेज भी लगे, ऐसा लगे कि भाई ऊपर से कुछ गिर रहा है तो आगे से स्लो, और यहाँ पे तो फास्ट आगे स्लो हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कैसे जा रही है, ये ऐसा है कि यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो थोड़ा तो सा मैनेज कर देना है, थोड़ा तो सा यूज़ करना, ताकि आपको तो आइडिया मिले कि भाई हम लोग यहाँ पे इसका भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अभी हमने देखा भाई, फर्स्ट तो मेरे पास ये एनिमेशन आया, सेकेंड में क्या है, फेंटा ग्लास कमिंग फ्रॉम लाइक कब से 3 फ्रेम से लेके 1 सेकेंड 2 फ्रेम तक आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मास पोजिशन है 1 सेकेंड 2 फ्रेम मेरे पास यहाँ पे, देखो मेरे पास यहाँ पे, तो टाइमिंग हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना है, हमने यहाँ पे देखा कि भाई फेंटा ग्लास है 3 फ्रेम से 1 सेकेंड 2 फ्रेम तक आ गया है, तो 1 सेकेंड 2 फ्रेम, ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग एंड फ्रेम पे तो की लगा के चलें, यहाँ पे देखें यहाँ पे शायद सही है। हम लोग यहाँ पे गए, हम लोग फेंटा पे गए, फेंटा का P4 पोजीशन क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये मैनेज कर दिया, तो यहाँ से हम लोग गए, और देन अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट फ्रेम पे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स एंड वाई होता है, मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम पे चाहिए मुझे ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, और ये 3 फ्रेम तक मैंने इसे मूव कर दिया यहाँ पे, कट इट, ताकि लगे कि भाई यहाँ से सब सब कुछ एक साथ ही नहीं जा रहा, ठीक है। अभी देखो दोनों के एनिमेशन में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा क्या, अभी कैसा है कि जब मैंने यहाँ पे एनिमेशन दिया, ये पहले आ जा रहा है, ये लेमन बाद में आ रहा है, ठीक है, ये बाद तक जा रहा है, ठीक है। अभी आप इसमें देखोगे तो आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखा देंगे यहाँ पे, अगर देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें भी ऐसी हैं, ठीक है। आपका ऑरेंजी आराम से स्लो जा रहा है, ठीक है, स्लो जाके आ रहा है, आपका ये पहले आ गया है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो ये स्लो जा रहा है, ये आपका पहले आ गया, उसके बाद में आपके बाकी एनिमेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखा भाई मेरे पास यहाँ पे हाफ ऑरेंजी होगा, वाटर का जो पार्ट होगा ये वाटर वाला पार्ट है और लीफ वाला पार्ट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमने स्टोरबोर्ड बना रखा है, ठीक है, हम लोग देखा भाई फेंटा ग्लास कमिंग 3 फ्रेम, ठीक है, 1 सेकेंड यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ सब देखो तो जैसे स्प्लैश भी है, स्प्लैश आपका स्टार्ट होगा 21 फ्रेम से लेके 320 तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्प्लैश आपका स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्टिंग है, ठीक है, उसको क्या करने वाले हैं, वाटर स्प्लैश है, एक वाटर हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया भाई, मेरे पास फ्रेमिंग है, तो मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, स्प्लैश 21 फ्रेम से स्टार्ट हो गए 320 तक, तो 320 पे पहले हम लोग गए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 320 में मैं गया यहाँ पे, बिग वाटर यहाँ पे P4 पोजीशन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। पोजीशन के साथ एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पे स्केलिंग भी होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या, जैसे मुझे पोजीशन और स्केलिंग एक साथ चाहिए, तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके एस प्रेस कर दूंगा, तो एक साथ दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या, पोजीशन एंड स्केलिंग पे मैंने कीज दे दिया यहाँ पे, गॉट इट। फिर अभी हम लोगों ने देखा भाई यहाँ पे क्या काम करना है, 21 फ्रेम से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 21 फ्रेम में यहाँ पे देखा है, ठीक है, यहाँ पे बस फेंटा एक और भी वाटर हमने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। अभी यहाँ से मैं गया और यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट एस कर देता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो एक साथ दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, बाकी की जो चीज़ें हैं इनको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा ये आपका जा रहा है 21 फ्रेम, तो 21 फ्रेम आपका यहाँ पे आना चाहिए, देखो एग्जैक्ट 21 पे ही जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ही को चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो बिग वाटर यहाँ पे दे रखा है, जैसे ये यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले तो स्केलिंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पे स्केलिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, तो यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ
तो उसमें मैनेज करता हूँ यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे क्या देखो, यहाँ से देख रहे हैं ये पार्ट आपका इधर। अभी एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पे, जो मूवमेंट देख रहे हैं भाई, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया कि भाई अगर मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए तो वाट वी वॉन्ट यहाँ से मैं तो मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये पहले नहीं देखेगा, पहले मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ें वो नहीं देखना है। तो मुझे अभी यहाँ तक क्या करना है, दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो मैंने इसको यहाँ से छोटा कर देना है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैं ऐसे भी काम कर सकते हैं, कट करके डिलीट कर दो या ओपेसिटी कर दो, एक्स वाई जेड जो भी आपके सामने चीज़ देखें यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आपके यहाँ पे जा रही है। और इनको हम लोग थोड़ा सा ऐसे मैनेज करेंगे भाई, जो देखने में थोड़ा बेटर देखें यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गया तो मैं यहाँ पे क्या पोजिशन भी है, अभी यहाँ पे पोजिशन है, पोजिशन को मैं आप देखूँ मेरे पास यहाँ पे पोजिशन के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, और मैंने जो पोजीशन है यहाँ पे लाइक ऊपर ही दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, व्हाट आई वांट यहाँ से मैंने ये इधर कर दिया यहाँ पे, अभी ये एक्चुअली देखो यहाँ भी आ गया है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मैं बस यहाँ पे, तो ये चीज़ मैं बस यहाँ पे दिख रहा है होल्डिंग के बाद, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर दूँ यहाँ पे, मैंने क्या कैसे थोड़ा सा पोजिशन अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे इसका, तो थोड़ा सा बेटर देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हो, तो थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो थोड़ा बेटर देखिएगा, ओके, और देन इसके अंदर भी आप चीज़ आपको चाहिए थोड़ा सा बेटर दिखने वाली है, तो आप ऐसे कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। देन अगर मैं कोई मेरे पास अब इसकी पोजिशन भी अगर मैं यहाँ पे देता हूँ भाई, मेरे पास पोजिशन यहाँ पे गया, गॉट इट, देन यहाँ से तो निकल गया तो बेटर देखिए यहाँ पे, देखो थोड़ा सा ऐसे लगे कि बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे अगर नहीं दिखी तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दे रहे हैं भाई, ऐसे कुछ पार्ट हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका देखो कुछ ग्राफ का भी पार्ट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं अगर स्केल अगर मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे दिया है स्केल, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ लाइक वॉट आई वॉन्ट, तो यहाँ पे दूँ कुछ अलग ना दिखे, तो यहाँ से मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे तो स्मूथ दिखेगा, ठीक है, तो हमने थोड़ा सा कुछ ऐसे कस्टमाइज़ कर लिया यहाँ पे। अब ये कस्टमाइज़ किया, कस्टमाइज़ करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, जैसे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, राइट क्लिक, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा और बेटर देखना स्टार्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं भी करोगे तो कम से कम इजीज कर देना तो बेटर दिखेगा। ठीक है दोस्त, अभी आपको देखो आपका आइडिया मिल रहा है भाई, हम लोग ऐसे कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ में जो मेरे पास लीफ भी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ हम लोग इसमें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड है मेरे पास लीफ है यहाँ पे, लीफ का अगर हम लोग देखें तो लीफ कब से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, लीफ स्टार्ट हो रहा है 1 सेकेंड 7 फ्रेम से लेकर 3 सेकेंड 4 फ्रेम तक, तो 3 सेकेंड 4 फ्रेम तक यहाँ पर अगर मैं देखूँ, 3 सेकेंड 4 फ्रेम तक अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, पी फॉर पोजिशन, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैंने पोजीशन पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, देन ये शायद मेरे पास नीचे, मेरे ख्याल से नीचे चला जा रहा है यहाँ पे, है ना, ये हो गया। अभी ये स्टार्ट कब हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 सेकेंड 7 फ्रेम से, तो 1 सेकेंड 7 फ्रेम से अगर मैंने कहा भाई 1 सेकेंड 7 फ्रेम से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, अब यहाँ से इसको लेके चलते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी आपने मैनेज कर दिया, थोड़ा सा हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया और इजीज में कर दिया हम लोग यहाँ पे, तो अभी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनमें जो थोड़ा सा हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो अपने यहाँ से थोड़ा सा करते हैं, भाई मुझे अगर यहाँ पे देना है तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग दे सकते हैं, भाई मुझे यहाँ पे जो कर मैनेज करना है तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। एक चीज़ और ध्यान देना कि कहीं पे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी, देखें ये नीचे है, ठीक है, अभी तो हमें ये चीज़ को ध्यान देना है कि भाई मेरे पास अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास जो वाटर है, वाटर वाला पार्ट यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है ना, तो अगर मैं यहीं से मैं मैनेज कर दूँ, मैंने कहा भाई मेरा जो टाइमिंग है 8 नहीं लगेगा यहाँ पे, कट इट, तो भी आपको दो आइडिया मिल रहा है भाई, मैंने यहाँ पे कुछ काम किया तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कुछ ऐसे मैनेज भी कर सकता हूँ। आगे वाला आपका हाफ जो ऑरेंज है वो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ब्लर चाहिए, तो मैं इफेक्ट उन पे यहाँ पे गया, देन यहाँ से मैंने देखो इनमें से कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जो मैं इनको थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। इसके अंदर आपको एक चीज़ और भी याद होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों का रखा है मोशन ब्लर,
ठीक है। मोशन ब्लर में देखोगे तो मोशन ब्लर में ये सब भी मोशन ब्लर के लिए चीज़ें ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ और भी है जिसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये काइंड ऑफ बैकग्राउंड को छोड़ते हो आप यहाँ पे, तो अभी आप यहाँ पे देखिए भाई, अगर मैं कभी भी काम करूँ देखो आप मोशन के साथ, अभी देखो मुझे यहाँ पे ब्लर करने की नीड नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है। जहाँ होल्ड हो रहा है वहाँ पे अपने आप जो एनिमेशन दे रहेगा उसके साथ वो चीज़ें मैनेज हो रही है, उस चीज़ों को हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं यहाँ पे।